न्यायालय के आदेश पर आरटीओ विभाग द्वारा शहर में विगत 8 दिनों से ऑटो चालकों पर कार्रवाई करते हुए दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जिनके दस्तावेज पूर्ण नहीं है उनके ऑटो भी जब्त किए जा रहे हैं, जिसको लेकर ऑटो चालकों ने परिवहन विभाग अधिकारी, आरटीओ अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों को समय की मांग को लेकर ज्ञापन दिए, परंतु कोई सुनवाई नहीं होने के कारण शनिवार को सभी ऑटो चालक गांधी वाटिका में एकत्रित हुए और उक्त कार्रवाई के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ऑटो रिक्शा संघ अध्यक्ष रमेश राठौर और ऑटो चालक मोहसिन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के आदेश पर विभाग द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है हम उसका सम्मान करते हैं, परंतु हमारे वाहनों के कागज कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए और विभाग द्वारा वक्त नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा परिवहन अधिकारी, आरटीओ विभाग, कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों को भी इस संबंध में आवेदन, निवेदन एवं ज्ञापन दिए गए, परंतु कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में विगत कई दिनों से ऑटो चालक परेशान हैं और उनके सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हुई है। हमारी केवल विभागों से इतनी सी मांग है कि हमें केवल कुछ समय दिया जाए। इस समय में हम हमारे वाहनों के दस्तावेज पूर्ण करवा लेंगे, परंतु प्रशासन द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं होने के कारण आज यहाँ एकत्रित होना पड़ा है। हम भी नहीं चाहते कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन किया जाए, परंतु यदि प्रशासन हमारी इस मांग को माने तो हमें भी राहत मिल जाएगी। वर्तमान में विभाग द्वारा लगभग 80 से अधिक वाहन हमारे जब्त कर लिए गए हैं, जो न्याय उचित नहीं है। महोदय, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आदेश जो आए कोर्ट से आए तो हम उसका मान सम्मान करते हैं और तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं उस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में अगर कोई चीज़ लागू हुई है तो उसको हमको लेके चलना है। हम उसको ना कोई धरना प्रदर्शन वाली बात है, ना कोई ऐसी बात है जिससे शहर की व्यवस्था बिगड़े, क्योंकि शहर में स्वच्छता, साफ सफाई, और हम इसके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम लोगों को टाइम दे दिया जाए हमारे कागज कंप्लीट कराने का। हमसे जो गलतियाँ हुई है वो गलती है, तो उसका पछतावा हमारे को हो रहा है और वो चीज़ देखने को भी मिली है, लेकिन गलती का सुधार करने के लिए न्यायालय बना है, तो न्यायालय से हमारा आग्रह और हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो हमारी सुनवाई करे और हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके हमें एक मौका दिया जाए। श्रीमान, हालत तो ऐसी है कि बेहतर देश बेहतर जानता और देश चलाने वाले भी जानते हैं कि मिडिल क्लास आदमी कैसे अपने परिवार को चला रहा है और किस तरीके से चला रहा है। अगर उसके घर में कोई दिक्कत परेशानी आ जाती तो उसको कर्जा लेके करना पड़ रहा है। आज की कंडीशन उसकी ये स्थिति है, 300-400 रुपये में हमें शाम हो जाती है, उसमें हमें घर चलाना है, स्कूल फीस देना है, बच्चों का मेंटेन करना है, घर का खर्चा देखना है, बहुत सारी परेशानी है उस चीज़ में। हम सब अभी जैसे तैसे हम कर रहे हैं और देश में कोई हाउ नहीं करी, किसी नागरिक ने नहीं करी। कोरोना काल आया तो भी हमने लड़ा, कोई दिक्कत परेशानी तो भी आया, नोटबंदी आई तो भी हमने एक्सेप्ट करा, सब चीज़ में जनता एक्सेप्ट करके देश को चल रही हो और देश में जो कानून हुए उनको भी एक्सेप्ट करके चल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता के ऊपर इतना दबाव डाल दे कि वो मर ही जाए। श्रीमान, हमने इस विजय से बैठक की है कि हमारी यूनिटी एकदम तैयार रहे और अगर श्रीमान हमारे महोदय हमारी बात को लेकर रह लेते हैं तो हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनका तहे दिल से सवाल करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो हम आगे के लिए करेंगे कार्रवाई। सर देखो, टिकट 8 दिन से परिवहन विभाग द्वारा ऑटो रिक्शा वाले के ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है, ना तो हमें कोई टाइम दिया जा रहा और ना कोई सहायता दी जा रही, और 2 साल से कोरोना काल होने से हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई। तो हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट करी, मांग करी कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज इसको 100 गाड़ियों करीबन निमित में बंद है। हमारी मांग है कि थोड़ा बहुत समय दिया जाए, हर चीज़ का समय मिलता है, हमें समय क्यों नहीं मिल रहा है, कम से कम 1 महीना तो चाहिए। उसके बाद भी हमारे पास टैक्स जमा है, लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, फिटनेस करवा लें, बीमा करवा लें, परमिट वाले सीढ़ी बाय सीढ़ी हम कह रहे हैं कागज़ कम्प्लीट करवा लें। सबको ज्ञापन दे दिया, नया गाँव वेरियल को उसको भी दे दिया, मैडम को भी दे दिया, कलेक्टर साहब को दे दिया, विधायक मोदी जी को दे दिया, सब कर दे दिया, जैसा उस समय उचित निर्णय करेंगे सर। नीमच से मुश्ताक अली शाह की ये रिपोर्ट।